राज्य सरकार 5G योजना साजिश अन्य राज्य उदाहरण महाराष्ट्र राज्य सरकार जिलार 40 जणिया सदस्य आज केन्दुझर जिलार आनंदपुर उपखंड में विभिन्न विद्यालय बुरी देखा सहित यह रूपांतरण कार्यर भूयसी प्रशंसा कर महाराष्ट्र सरकार पक्षर् पुणे सोलापुर और सतार जिलार यह टीम आ सूचना मिली प्रतिनिधिमंडल विद्यालय इ क्लासरूम इ लाइब्रेरी स्मार्ट क्लासरूम विज्ञानगर आदर्श शौचालय एवं विद्यालय परिसर में थिबा फूल बगीचा बुलवा सहित छात्र छात्री एवं शिक्षक शिक्षयत्री सहित आलोचना करछंती। नमस्कार, मैं शालिनी कडू, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर DRDA हूँ, पुणे जिले की महाराष्ट्र से आई हूँ। हमारी टीम SIRD भुवनेश्वर में आए हैं यहाँ का सब डेवलपमेंटल वर्क देखने के लिए। यहाँ पे अभी आज हम स्कूल में आए हैं। स्कूल का ये जो 5T का इनिशिएटिव है ये बहुत ही अच्छा है। इसमें सब लोगों का, ऑफिसर्स का, स्कूल का, टीचर का, स्टूडेंट का, सबका एक यूनिटी और वो उनकी डेवलपमेंट की तरफ बहुत ही ध्यान आकर्षित होता है। बच्चों भी स्कूल आने के लिए इंटरेस्टेड है और जो लर्निंग है वो उनका इजी हो रहा है। तो ये देख के हम बहुत खुश हो गए और 5T का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है। टेक्नोलॉजी भी स्टूडेंट को समझ में आ रही है। हमने स्टूडेंट के साथ भी बात की, वो भी बोल रहे हैं कि हमें, कोई बोल रहा है कि हमें IAS ऑफिसर बनना है, कोई बोल रहा है कि हम आर्मी में जाना चाहते हैं। उनका लर्निंग इजी हो गया है। यहाँ के टीचर्स, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और स्टूडेंट, ये सब इसमें मोटिवेट है वो 5T के वजह से। तो ये हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो आज का तो ये स्कूल का फर्स्ट हमारा विजिट है। बाद में हम MG NREGA के काम, PM आवास योजना जो है वो देखने वाले हैं, जल जीवन मिशन का पानी का देखने वाले हैं और MG NREGA का। कल हमने सरोवर भी देखा है जो हम MG NREGA से हमारे महाराष्ट्र में भी गए हैं। यहाँ का भी बहुत ही अच्छा हमें वो अमृत सरोवर हमने देखा है। तो यहाँ का डेवलपमेंट और सबसे ज्यादा हम इम्प्रेस हो गए वो तो है मिशन शक्ति, जो महिला की SHG का ग्रुप है, वो बहुत ही इन्वॉल्वमेंट दिखी है राइट फ्रॉम बॉटम लेवल, फ्रॉम विलेज लेवल टू टॉप एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। वी हैव सीन दैट की बहुत ही इन्वॉल्वमेंट है और वुमेन जो है, जो भी हमारी दीदियाँ हैं वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही है। थैंक यू। आज हमारा महाराष्ट्र रो गोटे टीम आछंदी, हमारा जो हाई स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन ताकु देखिया पाए, आमर ए रिप्रेजेंटेटिव स्कूल हिसाब से आम ब्लॉक रो लक्ष्मी नारायण हाई स्कूल अच्छे। तो ये से आसिक बुलूं, ये पंचायतराज मेम्बर्स अच्छा, BDOs अच्छा, PD भी अच्छा, से गोटे एक्सपोजर विजिट आमर केमती हाई स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन वर्क होती, आम टीचिंग सिस्टम केमती अच्छे ताकु से देखिए। तापर किसी SHG विजिट रो प्लानिंग अच्छे, तापर आमर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बीरगोविंदपुर देखिए। तेणु एटा गोटे एक्सपोजर विजिट, आउ एटी आमर सेमाने गेस्ट हिसाब से आछन्ति, तेणु आमे सेमानकु स्वागत करू। धन्यवाद। परिदर्शन समय रे घर्षीपुरा BDO उपस्थित रही सेमानकु राज्य सरकारक द्वारा प्रदत्त योजना संपर्क रे सूचना प्रदान करिछन्ति। मु श्री शत्रुघ्न साहू, लक्ष्मी नारायण सरकारी हाईस्कूल प्रधान शिक्षक। आज आमे बहुत खुशी जे महाराष्ट्र रु एक्सपोजर टीम आम स्कूल को आसी, आउ जाओ आमे एटा भी गर्व भी अनुभव करूचु। ए स्कूल बहुत भल काम होइछि। 5T अंडर रे आमर स्मार्ट लैब, स्मार्ट लाइब्रेरी, साइंस लैब, लाइब्रेरी, मल्टीपर्पज हॉल, जो फिल्टर सब से बहुत प्रशंसा करूछन्ति, खुशी भी होइछन्ति। सेटा तो आम पाई उपहार हो जाइछि। जाओ बहुत भल लागिला एमिती गोटे परिवेश आज मिलिछि एवं आम स्कूल को आमर ओडिशा सरकार बाछी थिबारु आमे मध्ये आम ओडिशा सरकार को धन्यवाद। मेरा नाम अनिल बगाटे, पंचायत सेक्रेटरी हूँ महाराष्ट्र से, पुणे डिस्ट्रिक्ट। हम उड़ीसा यहाँ पे एक्सपोजर विजिट के लिए आए। यहाँ पे हम लोग कल से हम लोग कुछ पंचायत, कुछ ब्लॉक, JP भी देखी है, जो आपके यहाँ पे अच्छा लगा। यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है और सबसे बड़ी बात और अच्छी जो लगी, यहाँ पे सब GP और जो भी ये इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के, सब इंटरनेट से कनेक्टेड है। और दूसरी एक बात, यहाँ पे जो स्कूल है वो प्राइवेट एजुकेशन से ज्यादा गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, तो इसकी वजह से सभी जो गरीब बच्चे या अच्छे बच्चे हैं ये चीज़ें
एजुकेशन मिल रहा है। उसका फायदा ये हो रहा है कि जो भी कोई भी एजुकेशन से दूर नहीं जाएगा वो स्कूल में आ जाएगा, और यहाँ पे एसएचजी का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है और ये प्लस पॉइंट है जो कि अच्छी बात है। यहाँ से गांव के लोगों को या औरतों को रोजगार मिल जाता है और यहाँ की जो ग्राम पंचायत का जो बेनिफिशियरी उनको इसका लाभ मिलता है। तो यहाँ से कुछ सीखने की जो अच्छी बात है ये, और गांव का जो पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा है जो कि डेवलपमेंट के हिसाब से प्लस पॉइंट है। तो बस यहाँ से और बहुत सारी बातें सीखनी है जो कि महाराष्ट्र में लेके जाएंगे, और महाराष्ट्र में जो अच्छी बात है यहाँ पे उड़ीसा में देखे जाएंगे। तो यहाँ पे आके हम सब महाराष्ट्र के टीम से बहुत अच्छा लगा, हम उड़ीसा गवर्नमेंट को धन्यवाद देते कि हमें ये देखने का मौका उड़ीसा गवर्नमेंट की तरफ से दिया। धन्यवाद। आनंदपुर प्रभाती साहू का रिपोर्ट, जागृति लाइव मीडिया।